Hello children, welcome to my maths class. Okay, today we are going to continue with the same chapter, that is chapter 12, geometry. Okay, so here in this class we are going to start exercise 12.2. okay, so here we are going to see about straight line, curved line, closed figures, open figures. Okay, straight line kaise hota hai? Straight line, seedha line. Okay, it can be sleeping lines, standing line, curve, that is slanting line, kaise bhi ho sakta hai. Okay, but the line should be straight. Okay, this is a straight line. Okay, next, curve line matlab ye seedha nahi hota hai. Okay, teda meda hota hai. Okay, curved shape mein hota hai. Okay, next, closed figures matlab स्टार्टिंग पॉइंट ओके शुड रीच द एंड पॉइंट. ओके, सो तभी इसको क्लोज फिगर बोलते हैं, मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट शुड बी देयर. ओके, द इट शुड टच ईच अदर. ओके, सो दिस इज अ सर्कल. ओके, स्क्वायर, देन क्रिसमस ट्री. ओके, टी. ओके, इस इन मतलब ये फिगर्स में जो एग्जाम्पल्स मैंने दिया है, इस चारों फिगर्स में मतलब एक दूसरे मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट है एंड इट टच ईच अदर. ओके, सो दीज आर कॉल्ड क्लोज्ड फिगर्स. ओके, नेक्स्ट ओपन फिगर्स में मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट अलग अलग जगह पे होता है एंड इट डजंट टच ईच अदर. ओके, सो इसमें ए में देख लो, ए में स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट अलग अलग जगह पे है एंड इट इज नॉट टचिंग ईच अदर. ओके, अगर एक लाइन यहाँ खींचेंगे तभी ये टच होगा. ओके, सो दीज आर कॉल्ड ओपन फिगर्स. आई हैव गिवन सम ओपन फिगर्स एग्जाम्पल्स. ओके, सो दिस इज अ पॉट. ओके, बट इट इज ओपन एट द टॉप. ओके, नेक्स्ट सी दिस फिगर ऑल्सो. ओके, यहाँ से स्टार्ट करके it is going on and on. Okay, it is not ending. Okay, so these are called this is a straight line, curved line, closed figures, open figures. Okay, here I have drawn cube, cuboid. Okay, cone, cylinder, then sphere. Okay, so these are called solid figures. Okay, this I have already explained in the previous class. Okay, I'm not going to explain in detail. Okay, so now we are going to start exercise 12.2, fill in the blanks. Okay, first question, does a cuboid have any curved face? Okay, cuboid is mein kahan hai? Cuboid. So this is cuboid, rectangle shape mein hota hai. Okay, this is cuboid. Cuboid mein kuch curved face hai? No. ओके, कर्व फेस नहीं होता है क्यूबॉइड में. सो द आंसर इज नो. नेक्स्ट, डज अ क्यूब हैव एनी कर्व्ड एज? क्यूब में कुछ कर्व्ड एज है? कहीं नहीं. ओके, सो नो. नेक्स्ट, डज अ सिलेंडर हैव एनी स्ट्रेट एज? सिलेंडर इज हियर. ओके, सिलेंडर में कहीं स्ट्रेट एज है? एज कहाँ है? इधर. ओके, सो कहीं स्ट्रेट एज है? नो. क्योंकि कर्व्ड एज होता है इसका. ओके, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन अ स्पीयर? स्पीयर में कोई कॉर्नर्स होता है? नो. सो द आंसर इज नो, स्पीयर में कोई कॉर्नर्स नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन अ सिलेंडर? ओके, सिलेंडर में कितनी कॉर्नर्स है? सिलेंडर में कितनी कॉर्नर्स है? कॉर्नर्स है नहीं. ओके, सो आंसर इज नो कॉर्नर्स. ओके, नेक्स्ट, डज अ स्पीयर हैव एनी एज? ओके, ये स्पीयर है, स्पीयर में कोई एज है? नो. ओके, नेक्स्ट, Does a cone have its base and top of the same shape? Cone, यहाँ cone है, इसमें जो ऊपर का portion and नीचे का जो portion है दोनों same shape में होता है, अलग अलग shape में होता है?
अलग अलग शेप में होता है, क्योंकि ऊपर ये कोन टाइप है, दैट इज शार्प एंड है, नीचे बेस अलग है. ओके, सो दे आर नॉट ऑफ द सेम शेप. ओके, सो नो. ओके, नेक्स्ट. हाउ मेनी कर्व फेसेस और हाउ मेनी कर्व सरफेसेस डज अ सिलेंडर हैव. ओके, सिलेंडर में कितनी कर्व फेस है? दिस इज कर्व फेस. ओके, सो ओनली वन कर्व फेस इज देयर. ओके, सो द आंसर इज वन. ओके, नेक्स्ट. हाउ मेनी प्लेन फेसेस डज अ सिलेंडर हैव. सिलेंडर में कितनी प्लेन फेसेस होता है? प्लेन फेसेस ये दो है. ओके, सो कितनी प्लेन फेसेस होता है? टू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. ओके, राइट द नेम्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द शेप ऑफ अ स्पीयर. ओके, स्पीयर शेप में ओके टू ऑब्जेक्ट्स आपको लिखना है. ओके, सो स्पीयर शेप में क्या क्या होता है? बॉल होता है. ओके, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, देन ग्लोब, लेमन. ओके, इसमें से आप मतलब कोई भी लिख सकते हैं जो स्पीयर शेप में जो है. सो आई एम गोइंग टू राइट बॉल, देन ग्लोब. ओके, नेक्स्ट. राइट द नेम्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द शेप ऑफ अ कोन. कोन शेप में कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स आपको लिखना है. ओके, कोन शेप मतलब ये है कोन शेप. ओके, इसमें आइसक्रीम, दैट इज कोन आइसक्रीम है, देन बर्थडे कैप है, वो सब लिख सकते हैं आप. सो कोन, आइसक्रीम, बर्थडे कैप. ओके, नेक्स्ट. हाउ मेनी एजेस डज अ सिलेंडर हैव. ओके, आर दे इक्वल. क्वेश्चन क्या है? सिलेंडर में कितनी एजेस है? ओके, दीज आर कॉल्ड एजेस. ओके, इसको जो है ये एजेस है. ये सिलेंडर में कितनी एजेस है? वन एट द टॉप एंड वन एट द बॉटम, सो टू एजेस. ओके, आर दे इक्वल. ये ऊपर एंड नीचे वाला दोनों एज सेम है, अलग अलग है, सेम होता है. ओके, सो आर दे इक्वल? यस. आंसर इज यस. ओके, नाउ काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस. ओके, इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन है, कितनी कर्व लाइन है? यू हैव टू काउंट एंड राइट द नंबर हियर. ओके, सबसे पहले स्ट्रेट कितनी स्ट्रेट लाइंस कितनी है? ये है स्ट्रेट, वन, टू, थ्री, फोर. ओके, फोर स्ट्रेट लाइंस. कर्व कितनी है? कर्व मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, उसी को हम कर्व बोलते हैं. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स. ओके, सिक्स कर्व है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.